हमने कब से अकाउंट करने हैं, और या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने अकाउंट अभी नया खुलवाया है, तो क्या हम 1 माह 2 माह 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट इससे हम वीजा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब स्टेटमेंट की बात करूं तो आपने फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट न्यू ओपन किया तो आपने उस अमाउंट को 6 मंथ तक मेंटेन रखना होता है, ठीक है। अब अकाउंट कहाँ से होगा, अगर आपका फॉर एग्जांपल अकाउंट न्यू ओपन है तो कोशिश करें जब आप अपना केस फुट करें अब तब अपना अकाउंट न्यू ओपन कर लें, ठीक है, ताकि वो मेंटेन हो जाए। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखना चाह रहे हैं तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हाँ जी हम जो है वेरिफिकेशन के टाइम से अपनी अमाउंट को 6 मंथ्स मेंटेन कर लें। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, वो ये कि स्टूडेंट कहते हैं कि 6 मंथ्स जो आप मेंटेन कह रहे हैं, क्या वो आप इस तरह से कह रहे हैं कि हम 2 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरह कर करके अपनी स्टेटमेंट कर लें? मतलब अगर मेरी कल की भी अपॉइंटमेंट है तो आज की डेट में मैं उसमें 5 लाख करवा रही हूँ, तो इस तरह का नहीं हो। आप 6 मंथ्स मेंटेन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख शो कर रहे हैं तो वो 50 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है, वो आपने 6 मंथ्स उसको मेंटेन करना है, और आपने उस 6 मंथ्स मेंटेन स्टेटमेंट को शो करना होता है आपके मजिस्ट्रेट में, ना कि ये कि आप उसमें 5 लाख 7 लाख 8 लाख कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह आपका जो केस है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ जी मैंने स्टेट को अगर इतनी हैवी अमाउंट क्रेडिट की है तो वो कहाँ से आई है, ठीक है, मतलब 5 लाख कहाँ से आ रहा है, फिर 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, तो उतनी ट्रांजेक्शन हो जितना आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो बेस्ट थिंग यही होती है कि ट्रांजेक्शन कम हो और टोटल अमाउंट आपकी वो मेंटेन हो 6 मंथ्स के लिए। इस तरह मजिस्ट्रेट को भी होगा कि हाँ जी बिल्कुल ये अमाउंट इन्होंने स्टडी परमिट के लिए जो है मेंटेन की हुई है और ये इजिली अपने लिविंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाह रही है कि मनी ट्रेल स्टूडेंट जो है ना उसको इजिली डिफेंड कर सके, तो इसको इस हिसाब से रखें कि जिसको आप अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने एक्सपेंसेस दोनों के साथ कंपेयर कर सकें। बिल्कुल।